गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब अच्छे होगे। और सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम। मालिक साहब, चाय लीजिए। मालिक बन गए हो आप घर के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम अमृत के प्याले के साथ। ठीक है, चलो फिर। ओके गाइज, तो अब मैं हो गया हूँ रेडी। अगर तुमने मेरा पहले से पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने बैग पैक करा था, तो मैं कहीं जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि भारत बंद है और पता नहीं मेट्रो चल भी रहा है या नहीं। मैं निकल तो रहा हूँ घर से, कैब बुक करा है, कैब वाला आ रहा है तो शायद चल रहा होगा मेट्रो भी। ठीक है, और तुम देख सकते हो बैग्स एकदम पैक हो चुके हैं। ठीक है, और सामान ज़्यादा है मेरे पास। एक वो बैग है, पर्स है मेरा, एक बड़ा सा जैकेट है और एक ये वाला भी बैग है मेरे पास, है ना। तो बैग्स पैक है, अब मैं बस निकल रहा हूँ। मेरा दोस्त है वो मेरे साथ जाएगा, तो वो भी आएगा साथ में। ठीक है, तो चलता हूँ अभी उससे मिलता हूँ। पहले मेरा कैब आता है, उससे मिलता हूँ। और अभी क्या हुआ कि होता क्या है कि जब आप घर से निकल रहे होते हो ना, तभी ज़्यादा काम आता है। अभी मेरे किसी क्लाइंट ने मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ठीक है, कि भाई मेरा कुछ काम कर दो, लेकिन अब उसका काम होगा नहीं। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो यार, अब मैं पहले निकलता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से मिलते हैं तुमसे जल्दी। तो अभी क्या है कि मैं पहुँच गया हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, वो अभी पीछे खड़ा है। मैं पानी लेने जा रहा था, बहुत तेज़ प्यास लगी ऑब्वियसली। और जैसा एक्सपेक्टेड था, मेरे को लगा था कि शायद बहुत भीड़ होगी, रैलियाँ चल रही होंगी, शायद चक्के जाम हो रहे होंगे, अब जा नहीं सकते होंगे बाहर। तो मेरे को लगा शायद ऐसा कुछ सीन हो जाए तो फिर शायद दिक्कत होगा। बट जब हम घर से निकले तो ऐसा कुछ सीन था नहीं। और दिल्ली में किसी टाइप का प्रोटेस्ट मेरे को अभी तक नहीं दिखा। वैसे तो मैं आया मेट्रो से हूँ, बट उधर मैं नोएडा से निकला तब भी कोई प्रोटेस्ट नहीं था, इधर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी अपन आराम से पहुँच चुके हैं और मैं हूँ यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। यू कैन सी बिहाइंड माई बैक। ठीक है, तो अभी सीन ऐसा ही चल रहा है कि अपन पहुंच गए और मैं एक पानी का बॉटल लूँगा। सो पानी का बॉटल ले लिया मैंने और साथ में मैंने लिया एक लस्सी। ठीक है, गर्मी बहुत है तो लस्सी काम आएगा। लोग है वैसे तो इंटरेस्ट में लोग ठंडी चीज़ें नहीं खाते पीते हैं, बट मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ी सी खांसी हुई है फिर भी मैं लस्सी वगैरह पी रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ, बैग ले के आता हूँ। बैग हमने साइड में रख रखा था उधर, और बैग ले कर अब एंट्री करेंगे हम। ठीक है, और फिर एक बार ट्रेन में बैठते हैं, फिर बताते हैं तुमको। ओके, तो अपडेट ये है कि हम मतलब रेलवे स्टेशन पे ऑलरेडी थे, और हुआ क्या कि मतलब हम 2-2.5 घंटे पहले आ गए थे, है ना। और मेरे को मतलब हमें 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि अपने को रिक्स लेना ही, हम मतलब पहले निकल गए थे। हमें लगा था कि शायद अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा तो पता नहीं हम टाइम पे पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, बट हम टाइम पे पहुँच गए थे। और अभी कोई मतलब ऐसा सीन नहीं है, तो देखते हैं। अब ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन भी काफ़ी पहले आई हुई है, अभी लाइक 4-5 मिनट में उसका यहाँ से डिपार्चर है। तो अभी देखते हैं कब निकलती है, हम काफ़ी भी हमारे पास टाइम है बहुत ज़्यादा, है ना। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, हम निकलते हैं एक बार ट्रेन में। ठीक है, और रही बात ट्रेन की, तो अपना राजधानी, अपन राजधानी से जा रहे हैं। तो ये है अपनी ट्रेन और अपना कोच B4 है। और अभी अपन थोड़ी देर में बैठेंगे, बैग वगैरह रख दिया हमने, और उसके बाद से फिर अपन सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे गया। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ऑब्वियसली, बहुत भीड़ भी है यहाँ पे। भीड़ के साथ साथ लाइक पीछे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, उसका भी और ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, कोविड का तो मतलब कुछ है ही नहीं सीन, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत तो बिना मास्क में भी मास्क के भी दिख जाता है, ऐसा सीन है। ठीक है, बाकी अभी बढ़िया चल रहा है ट्रेन में, मस्त बैठते हैं, बाकी क्लीन है ट्रेन, ये अच्छी है। ऑब्वियसली राजधानी से हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी मजे करते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर में। इस जर्नी में मेरे लिए एक बुरी चीज़ है, वो है मेरा मिडिल सीट, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और भाई साहब का है अपर सीट, जो कि एकदम आराम वाला है। मेरा मिडिल सीट है, मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है, तो आई हैव टू मैनेज सम हाउ। ओके, अब मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बोर होते हुए जाना पड़ेगा ट्रेन में। लाइक कितना ही ब्लॉग करोगे तुम, कितना ही शूट करोगे यार, है ना। अब मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने नेटवर्क चेक कर लिया, रिचार्ज देख लिया, मतलब है प्रॉपर सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। लाइक सीरियसली, लेट्स सी, मैं ट्राई करता हूँ 2-4 बार फ़ोन रिस्टार्ट कर लूँ, शायद कुछ हो जाए। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से, और अब हम निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन निकल चुकी है और ऑन टाइम थी, तो ये अच्छी बात है। इंडिया में ट्रेन अगर ऑन टाइम चले और ऑन टाइम पहुंचा दे तुमको, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारी जर्नी शुरू हो गई, फिर मिलते रहते हैं छोटे छोटे ब्रेक के बाद।
में मतलब एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है चाय। कहीं भी जाओ चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। चाय वाली चाय और वैसे भी नेट नहीं चल रहा, नहीं भी जाता तब भी मैं चाय ज़रूरी है और वैसे भी नेट नहीं चल रहा है तो कंपनी देने के लिए ये है, और साथ में हमारे भैया जी हैं, ठीक है। तो चाय की कंपनी के साथ हम पहुँचेंगे गया सुबह 4 बजे, फिर मजे करेंगे वहाँ जाके, है ना। सो आफ्टर हैविंग अ नाइस कप ऑफ टी, मैं इस चीज़ को पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कभी खाया है नहीं मसाला मैगी मसाला कुप्पा। कुप्पा है क्या, कुप्पा पढ़ेंगे इसको, कप्पा। ओके मसाला मैगी कप्पा। सो फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस, आई होप कि ये अच्छा लगे। अब मेरे पास ऐसा कुछ गिम्बल नहीं कि मैं इसे खा के तुम लोगों को रिव्यू दूंगा इसका, मैं बस बता रहा हूँ। टेस्टलेस है, सही बात, सच में। अबे यार तो फिर मसाला कम है ना, मसाला एक्चुअली पानी ज़्यादा है ना, पानी ज़्यादा है मसाला कम। हाँ यार बेकार हो गया ना, अब मज़ा नहीं आएगा, चलो देखते हैं। यार वो मैगी सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसने उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो हुआ क्या था कि उसका सारा जो मैगी मसाला होता है वो पानी के साथ नीचे बैठ गया था, और जो मैगी था नूडल्स जो थे वो बहुत ही टेस्टलेस लग रहे थे। बट ये था कि सूप उसका बढ़िया था, सूप पीने में मज़ा आया था। फिर फाइनली उसके बाद मैंने दोबारा एक कप चाय पिया, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने एक और गलती कर दी कि मैंने वेज बिरयानी मंगा ली इनकी पैक्ड वाली, जो कि पैक्ड फूड होता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। पहले भी मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, बट दैट वॉज बेसिकली उन्होंने पैक्ड फूड को माइक्रोवेव कर दिया था, वही था, वो इतना वाहियात था कि मेरा दिमाग हो गया ख़राब, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया आज के बाद से आई एम नॉट लाइक, कभी पैक्ड फूड नहीं खा रहा हूँ मैं, खासकर ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं, है ना। चलो अभी तो जर्नी ऐसी चल रही है, बढ़िया मजे में हम, और फिर ऐसे मिलते रहते हैं हर छोटे ब्रेक के बाद, ठीक है। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज रहे हैं 4:30, 4:30 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, और हम पहुँच चुके हैं गया रेल जंक्शन रेलवे स्टेशन, ठीक है। और अभी तुरंत उतरा हूँ मैं, ट्रेन तुरंत ही निकली है यहाँ से, और अब यहाँ से हमें जाना है मंगला गौरी, ठीक है। और फिर देखते हैं कैसे जाना, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं, तो हमने दोस्त के घर पर फ़ोन करा है, लेट्स सी वो कैसे बताता है, फिर हम उसके हिसाब से निकलते हैं, ठीक है। ओके सो फाइनली हमें मिल गए ऑटो, और हम निकल चुके हैं मंगला गौरी मंदिर की तरफ, ठीक है। इस सबका घर वही है। भैया कोनो गजन तने के ना हो गए ना 100 रुपए में एकदम बढ़िया, ठीक है चलो। ओके तो अब हम पहुंच गए हैं मंगला गौरी, ठीक है। पहले यहाँ पे हम पियेंगे चाय एक कप, ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तुम देख सकते हो मैंने बड़ा वाला जैकेट पहन, एकदम बड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह सुबह 4 बजे, ऑब्वियसली ठंड होती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो पहले हम एक कप चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैंने सुना के साथ बहुत ज़्यादा स्टेयर्स जो है हमें चढ़ना पड़ेगा, मतलब मंदिर है यहाँ पे, मंदिर के अंदर साइड में कहीं घर है मेरे दोस्त का, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। सौर्य पहले आ चुका है तो उसको ज़्यादा आइडिया है, तो देखते हैं पहले चाय पीते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। ओके सो अब मेन रोड से हम चले आए हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं, ठीक है। अब हमें जाना है स्टेयर से ऊपर, और वो भी बैग के साथ। नीचे भी देख ले। देख लिया यहाँ पे? हाँ देख लिया। लेट्स सी, यहाँ पे एक चूहा वीर गति को प्राप्त हो चुका है, एक चूहा वीर गति को प्राप्त हो गया है नीचे वहाँ पे स्टेयर्स पे, और स्टेयर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और ऑलरेडी हम थके हुए हैं। ये वहाँ खड़े होकर हंस रहा है कि किसी पास एक बैग है, मेरे पास 2 बैग, एक टक्स और बड़ा वाला जैकेट में डाल रखा है। तो बस आई थिंक हम लोग पहुँच ही गए हैं, सामने मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है जय माँ मंगला गौरी प्रबंधकारिणी समिति, ठीक है। यह है माँ मंगला गौरी का मंदिर, हम पहुँच गए ऊपर। यार यहाँ पे रास्ते बड़े
अजीब से और शानदार से है। मेरे जस्ट पीछे पूरा मंदिर है और ये रास्ते बड़े अजीब से हैं, थोड़े से वियर्डली गुड, किसी एडवेंचर से कम नहीं है भाई ये। अरे ओ भाई, तो आगे से गली के अंदर मरून कलर का घर है, मरून कलर का है ना, इधर बोला था मरून कलर का गेट है शायद ये है। इधर अंदर में डेकोरेशन तो नहीं लग रहा, कुछ दिख रहा। हाँ वो वाला तो नहीं, नीचे देखो देखो, इसको यहीं रखता हूँ यार बैग को। सुबह सुबह अजान भी हो रही है और हम इधर पता नहीं कौन सी साइड आ गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है फ़ोन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके तो हम दीपक के घर पहुंच चुके थे और आई थिंक हम शायद 6 बजे के आसपास पहुंचे थे और आई थिंक अब इस चैप्टर को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तुम लोगों से। ये मैं बस पीछे का सीन देख रहा था थोड़ा सा, यहाँ पे बड़े बड़े सही रास्ते हैं यहाँ पे, लाइक काफ़ी नीचे नीचे से ऊपर नीचे से करके अजीब अजीब से, तो बढ़िया ही, ठीक है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भूलना मत, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी तुम लोगों से।